मॉर्निंग फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बड़ी आसान सी पाव भाजी की रेसिपी, जो कि हमने सिर्फ आलू की भाजी से ही बनाई है। तो ये बनानी भी बड़ी आसान है, और इसके लिए चलें फिर देखते हैं हमने क्या क्या लिया है। सामने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, कुछ भी ज़्यादा सामान मैंने नहीं लिया है, ये सब हमारे किचन में रेगुलरली होता ही है। और आलू मैंने उबाल लिए हैं, ये देखें 6 या 7 आलू थे। हरा धनिया मैंने बारीक काट लिया है, अच्छे से धो धा के अदरक को टुकड़े में कर लिया है, और हरी मिर्च, टमाटर और प्याज। टमाटर प्याज थोड़े से आपने ज़्यादा लेने हैं। और ये सारे के सारे मसाले, हल्दी हो गई, लाल मिर्च पाउडर हो गया, नमक हो गया, जीरा हो गया, और करी पाउडर, मेथी दाना। तो चलिए फिर आलू की भाजी हम बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने डाला है देसी घी, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, बहुत कम मसाले मैं डालूंगी। और अभी मैं अदरक और हरी मिर्च डाल के इसको हल्का सा पका के फिर मैं थोड़े से मसाले इसमें डाल रही हूँ। मैंने अभी डाले हैं हल्का सा मेथी दाना, क्योंकि आलू क्या करते हैं, जनरली शुगर बढ़ा देते हैं। तो घर में अगर शुगर का मरीज़ कोई है तो बेहतर रहता है कि हम आलूओं में थोड़ा मेथी दाना ज़रूर डाल दें, ताकि एकदम से शुगर ना बढ़े। प्याज डाल करके मैं इनको भून दे रही हूँ। प्याज जब थोड़े से पिंक से हो जाए तो उस पर अब हमने डाल देने हैं बारीक कटे हुए टमाटर, और अच्छे से इन सबको हमने पकाना है। तो मसाले जो डालने हैं वो आप अपनी पसंद के कुछ भी डाल सकते हैं। मैं तो डालूँगी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, और दूसरा पाव भाजी का मसाला जो कि नॉर्मली हम सबको बड़ी आसानी से मिल जाता है, नमक डाल करके ये हमने अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हमने इस टमाटरों और प्याज़ों को पकाना है। और दूसरा मेथड ये है कि आप इनको मिक्सी में पेस्ट कर लें, क्योंकि मेरा आज कुछ भी पकाने को मन नहीं है। रोज़ रोज़ किचन का काम कर कर के बोर भी हो जाते हैं, और लॉकडाउन है तो थोड़ा काम हम सब महिलाओं का ज़्यादा भी हो गया है। ये देखिए आलू प्याज का मसाला अच्छे से पक गया है, सॉरी प्याज और टमाटर का। तो अब इसमें मैंने मैश करे हुए आलू डाल दिए, और अच्छे से इन सबको हमने मिक्स करना है। अगर आप मसाले खाने के ज़्यादा शौकीन हैं तो आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, और काली मिर्च पाउडर वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको तीखा कर सकते हैं। अच्छे से ये जब मिक्स हो जाए तो आप अमचूर पाउडर भी मिला दें अगर आपको मन हो तो। और अब मैं डाल दे रही हूँ पानी, 2 कप मैंने पानी डाल दिया है। और इस स्टेज पे हमने डालना है कटा हुआ धनिया, वो भी इसलिए कि धनिया सारा पक जाए, और इसमें अगर कोई जर्म्स वगैरह हैं तो वो उबलेगा तो सारे के सारे जर्म्स भी मर जाएंगे। आप इसको कच्चे धनिया से, आजकल कोरोना के दिनों में कोई भी चीज़ को गार्निश ना करें, बस इसको हम थोड़ी देर उबालेंगे। और ये देखें हमारी भाजी जो है, आलू की भाजी, ये बन कर के तैयार हो गई है। और उधर मैंने तवा गर्म होने रखा है, इस पर थोड़ा सा घी लगा करके, या बटर जो भी आपको मन हो। हम पाव को हल्का सेक लेंगे, और अच्छे से इनको हमने दबा दबा के सेकना है। और ये हमारा हो गया बड़ा ही आसान सा ब्रेकफास्ट, जो कि मात्र 10-15 मिनट में बन जाता है। और ये हम अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं, और कोई ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगती। और थकान हो या मन ना कर रहा हो कुकिंग करने का, तो भी हम अपना ये परिवार को खिला सकते हैं, और थोड़ा चेंज भी हो जाता है, तो फैमिली बड़ी खुशी से ये सब पाव भाजी खा भी लेती है। किसी और दिन मैं आपको प्रॉपर जो भाजी होती है, सब्जियां सारी डाल करके उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी। और हाँ, आलू के छिलकों को मैं पौधों में डाल के खाद की तरह इस्तेमाल करूंगी। तो नेक्स्ट रेसिपी जो बड़ी आसान सी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि ये भी आलू की ही है, और आलू हम ज़्यादा उबाल लें तो हम इसको थोड़ा अच्छे से हम ब्रेड सैंडविच भी बना सकते हैं। कोरोना लॉकडाउन की वजह से, महामारी की वजह से, अभी हमें अपने थोड़ा कुकिंग का मेथड चेंज करना पड़ेगा। तो इधर मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल में थोड़े से लहसुन और प्याज और जीरा डाल करके मैंने अच्छे से प्याज़ों को भून लिया है। और अभी ये मिला रही हूँ मैं हरी मिर्च। नॉर्मल डेज में क्या होता था, कभी कभी बस हम आलू उबाल के उसमें कच्चे प्याज, धनिया, हरी मिर्च डाल करके ऐसे ही फिलिंग करके बना लिया करते थे खाना। लेकिन अभी रिस्क है कि जाने किस चीज़ पे कौन सा बैक्टीरिया हो, कीटाणु हो, तो
तो इसलिए अब हमें हर चीज़ पकानी है। मैंने मिलाया है नमक, लाल मिर्च पाउडर और ये वही पाव भाजी वाला जो मसाला था वो मैंने इसमें भी थोड़ा सा डाल दिया है। और अच्छे से हमने धनिया को भी पका लेना है, धनिया मिर्चा प्याज के साथ पक जाए। और जैसे ही ये पकता है तो इसमें हम फिर आलूओं को मैश करके डालेंगे। यहाँ आपकी मर्ज़ी है, आप और भी कुछ चीज़ें डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। आप बारीक कटी हुई गोभी डाल सकते हैं, गाजर को कद्दूकस करके डाल सकते हैं, लेकिन मुझे आज क्योंकि सिर्फ आलू के ही नाश्ते बनाने हैं और कुछ और बनाने को मन ही नहीं है, तो इसलिए मैंने जो पहले आपके साथ रेसिपी शेयर करी है आलू की भाजी, उसी से मैंने आलू कुछ इकट्ठे उबाले थे तो कुछ बचा के रख लिए थे। और ये मैंने उबले हुए आलू डाल दिए हैं, नमक और लाल मिर्च थोड़ा सा और डाला है, ये मसाला भी थोड़ा और डाला है। अब हम अच्छे से आलूओं को मैश कर लेंगे। बस हमारा प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि जो भी हम पकाएं वो अच्छे से हम पका के ही परिवार को खिलाएं। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगी कि नॉर्मल डेज़ में कोरोना से पहले हम लोग हरी चटनी बनाया करते थे। अगर सैंडविच बनानी है तो धनिया पुदीना की हरी मिर्च डाल करके, अदरक और टमाटर डाल के हरी चटनी मिक्सी में बना के सर्व कर देते थे, लेकिन आजकल आप ऐसा नहीं करें क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो कच्ची सब्जियों पे भी अगर किसी ने छींका खांसा है तो उस पे वो काफ़ी समय तक ज़िंदा रहता है। और जब हम पकाते हैं तो नॉर्मली हमारी जो कुकिंग है आप देखते हैं फुल फ्लेम पे होती है, तो इसमें वो वायरस मर जाता है। ये देखिए अब हमारा सैंडविच का मिक्सचर तैयार हो गया है और मैंने लिए हैं 4 ब्रेड के पीसेस और इसमें मैं ये सारा पके हुए प्याज़ों, आलू, धनिया और हरी मिर्च का मिक्सचर मैं इस पर अच्छे से लगा दे रही हूँ। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा मैश कर सकते हैं और बिल्कुल इसको फाइन कर लें, लेकिन मुझे इसको थोड़ा ऐसे ही रहने देना है, मोटा मोटा सा ही। और चारों ब्रेड्स पे लगा करके इसको फिर हम टोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको ओवन टोस्टर ग्रिलर में डायरेक्टली ऐसे ही रख सकते हैं, जाली के ऊपर आप इनको ग्रिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको टोस्ट मेकर में डाल के बस 2 मिनट लगते हैं वैसे भी बना सकते हैं, तो चॉइस आपकी है। और इसमें आप चाहे तो थोड़ा बटर भी ऐड कर सकते हैं अपनी कैलोरीज के हिसाब से। मैं आज सारा का सारा सिंपल खाना रखने वाली हूँ। तो ये देखें हमारी बड़ी आसान सी आलू सैंडविचेस तैयार हो गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।